राइस फैक्ट्री में, लेकिन आपने तो प्रिंटिंग प्रेस की दरखास्त की थी, लेकिन शहाब को लगता है कि मुझे बर्फ का धंधा करना चाहिए। और जी बहुत से लिखने वाले हैं जी जिन पे फांसी का इल्जाम लग रहा है, अगर आपका गुस्सा मंटो पे कुछ ज्यादा नहीं निकलता। मंटो ज्यादा खतरनाक है औरों से। कैसे जी? वो कमबख्त बहुत अच्छा अफसाना निगार है। तुम्हारी कहानियां तुम्हें ढूंढ रही है, इधर उधर क्या देख रहे हो? ऊपर पहचानो मुझे, लिखो मेरे पास इतना फालतू वक्त है कि मैं रोज यहाँ पे आया करूँ हिसाब किताब करने के लिए? मैं बहुत दूर से आता हूँ। तो हमारे पास फालतू वक्त है क्या? सादा साहब, अपने हिस्से की रकम चाहिए ना, तो अपने हिस्से की बर्फ आकर खुद बेचा कर। ये गुलों में रंग भरने वाला फैज, ये रेत से बुत बनाने वाला अहमद नदीम कासमी, ये चाय की प्याली में तूफान उठाने वाला सज्जाद जहीर, ये कोई साजिश कर सकते हैं? जी ऑफिसर साहब, तो इस बार कौन सा अफसाना है? अफसाना? कौन सा अफसाना? ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, वो जब तक लिखा नहीं जाता एक राज होता है, एक खुफिया दस्तावेज होती है। हाँ, जब वो वजूद में आ जाता है तो फिर उसका मुश्तहर होना लाजिम हो जाता है, उसे तश्तस्बाम होना पड़ता है। आप होशो आवास में तो हैं मंटू साहब? अच्छा, तो आपको पागल खाने वालों ने भेजा, अब क्यों बुलाया? मामला सीरियस है मंटू साहब। तो बताएं किस लिए आए हैं आप? तुम कौन हो? हामिद जलाल, इनका भांजा। यहाँ क्या कर रहे हो? यहीं रहता हूँ ऊपर वाले हिस्से में। करते क्या हो? क्लास वन गजेटेड ऑफिसर हूँ। आप बताएंगे तशरीफ आवरी का मकसद? आप जानते हैं एक बहुत बड़ी साजिश पकड़ी गई है, कम्युनिस्ट की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। जी हमें इल्म है, हम रोजाना अखबार पढ़ते हैं। हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की गई है। तो ये कि आपको हमारे साथ चलना होगा। आप क्या इन्हें गिरफ्तार करने आए हैं? वारंट है आपके पास? आप वकील हैं या अफसर आमिर साहब? ऑफिसर साहब, मेरी गिरफ्तारी की वजह मेरा कम्युनिस्ट होना है या कम्युनिस्ट के खिलाफ होना? हम आपको गिरफ्तार नहीं करें, आपको सिर्फ हमारे साथ चलना होगा। साथ हूं मामूजान। नहीं, हाँ, अगर मैं वापस ना आया तो वो शेख खुर्शीद साहब एडवोकेट जो हैं उनको बता देना। चलें। क्या हुआ, कहाँ चले गए इतनी सुबह सुबह? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? क्यों, अब क्या कर दिया उन्होंने? कुछ बकवास लिख रहे होंगे। जैसे कि अपने बर्फ खाने पर तवज्जो दें, ये कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। क्या होगा क्या हमें? अभी आ जाएंगे आप। अब क्या गुल खिला दिया तुम्हारे मामू ने? जरूर दो, ये भी बगैर कुछ बताए चला गया। तुम ही बताओ क्या बात है। हमारे पास आपकी मुकम्मल फाइल मौजूद है। आपके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुए हिंदुस्तान में और पाकिस्तान बनने के बाद, फिर तो फाइल खासी वजनी हो गई हो। यकीनन, फिल वक्त हमें आपके अफसानों से कोई गर्ज नहीं। आप पार्टी के रुकन हैं? किस पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी के। ना मैं पार्टी का रुकन हूं ना उनका हमदर्द। अगर मैं किसी ग्रुप के जाब्ते में रहना भी चाहूं तो मेरा दम घुटने लगता है।
मगर आपने कम्युनिज्म की काफी हिमायत की है, रूसी किताबों के तर्जुमे भी किए हैं। रूसी कहानियों और नज्मों के तर्जुमे? उनकी किताबों में आपके नाम दर्ज हैं, क्यों? उनके पास हर तरह का रजिस्टर और सब तरह की मालूमात होती है। आपने मुखालिफीन वाला रजिस्टर देखा? आप अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के रुकन भी रहे? उनके इजलास में शिरकत करता रहा, कार्ड कैरिंग मेंबर नहीं। कुछ अरसा पहले तो उन्होंने मुझे रजत पसंद करार देकर मेरा बायकॉट भी कर दिया। हम जानते हैं, मगर रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए आपसे सवाल जवाब जरूरी था। आप ख्याल रखें, इन तकरीबी सरगर्मियों से परहेज करें, समझ गए ना? जा सकता हूं अब? बिल्कुल, मेरा ड्राइवर आपको छोड़ देगा। आज तक तो सिर्फ लेने आए, अब छोड़ने भी जाएंगे। अरे वाह मंटो साहब, क्या ठाट हैं आपके, सरकार खुद छोड़कर गई है आपको, वाह। लेकिन अनवर, ये हमारी खुफिया वाले भी बिल्कुल बेकार हैं, उनके रिकॉर्ड भी ठीक नहीं। उनके मुताबिक मैं अभी तक कम्युनिस्ट्स का हमदर्द हूँ। खैर, मैंने सारे रिकॉर्ड ठीक करा दिए। यानी मैंने उन्हें बता दिया कि ना मैं तरक्की पसंद हूँ, ना जिद्दत पसंद, ना रजत पसंद और ना ही तजरीदियत पसंद। तो फिर आप हैं क्या? तुम नहीं जानते, मैं मंटो पसंद। अज्जू, अज्जू आ जाओ ना यार, वो दो चाय की प्यालियां लेकर। सिगरेट पिलाओ अनवर। सुना है फौज के बहुत से अफसर गिरफ्तार हो चुके हैं जो जनरल अकबर के साथी थे, और कासमी साहब भी गिरफ्तार हो गए। कासमी भी गिरफ्तार हो गया, बुरा हुआ। लेकिन अनवर, मैं बता रहा हूँ, ये हुकूमत की चाल है, एक सियासी चाल, साजिश नहीं है। क्या मतलब? वज़ीर-ए-आज़म ने खुद रेडियो पर आकर ऐलान किया था। हमारे वजीर को रेडियो पे ऐलान करने के अलावा और आता ही क्या है? एक तरफ वो कम्युनिस्ट रूस के दौरे पर जा रहे हैं और दूसरी तरफ कम्युनिस्टों को धड़ाधड़ गिरफ्तार किया जा रहा है। रूस नहीं जा रहे, वो अमेरिका जाएंगे। अमेरिका? हाँ, अंकल साम ने हड्डी डाल दी। ये सब कुछ अंकल साम को खुश करने के लिए तो किया जा रहा है। तुम खुद बताओ, ये गुलों में रंग भरने वाला फैज, ये रेत से बुत बनाने वाला अहमद नदीम कासमी, ये चाय की प्याली में तूफान उठाने वाला सज्जाद जहीर, ये कोई साजिश कर सकते हैं? ये ज्यादा से ज्यादा हजो लिख सकते हैं, या मेरे और हसन अस्करी के खिलाफ मुकदमे, कोई बायकॉट? अम्मा, अब कब आए? बता तो देते कम से कम आप आ गए। हाँ, बस अभी पहुंचा हूँ हामिद। यार, ये खुफिया वाले तो बड़े अच्छे लोग निकले भाई। बाकी पुलिस वालों की नस्बत तो बहुत महजब है, ये अपनी CID मुझे अपनी गाड़ी में छोड़ने के लिए आए, वहाँ बिठा के चाय पिलाई। मैं तो आइंदा इसरार करूँगा कि अगर मेरे खिलाफ कोई केस है तो वो सिर्फ और सिर्फ CID के पास जाए। तुम दफ्तर नहीं गए अभी तक? जान, मैं दफ्तर जाता, आपको सुबह CID वाले पकड़ कर ले गए। मामी जान का अंदर रो रो के बुरा हाल हुआ है। चलिए आए आप अंदर। भाई, एक CID तो हमारे घर में ही चलती रहती है। चलो। कल तो बिल्कुल सही कह रहे थे सादत साहब, कोशिश चोर ना उन दुनिया की खबर रख देना, बस थोड़ा सा शराब पीना कट कर देना तो बस बंदे बड़े चंगे ने। वो कहते हैं, मैं शराब नहीं पीता, शराब मुझे पीती है।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मियाँ साहब, खैरियत से हैं आप? खैरियत से। आइए डॉक्टर साहब। शुक्रिया, माफ़ कीजिएगा आपको आपको जहमत दी। ऐसी कोई बात नहीं जी, फरमाइए। दरअसल हम आपकी क्लिनिक आना नहीं चाह रहे थे, हम खाके स्कैंडल बन जाते हैं। आई अंडरस्टैंड सर। हम हार्ट पेशेंट हैं और दमे के भी मरीज हैं। डॉक्टर पीरजादा हमारे ज़ाती मुआलिज हैं। डॉक्टर पीरजादा तो बहुत बेहतरीन हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। यकीनन, बरसों से हमारा इलाज कर रहे हैं। दवाइयाँ, परहेज, रेगुलर मुआयना बहुत ज़रूरी है मियाँ साहब, आपकी प्रॉब्लम और एज के पेश नज़र। ये तो हाँ, रखिए। लीजिए डॉक्टर साहब। हाँ जी, शुक्रिया। अरे लीजिए लीजिए। हम अपने आप को अब भी फिट महसूस करते हैं, जिस्मानी और जज्बाती तौर पे दोनों। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात? जी बिल्कुल समझ रहा हूँ सर। आप एक काबिल और तजर्बाकार मुआलिज हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। हम अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते, मगर जीते जी अपने आप को मारना भी नहीं चाहते। मियाँ साहब, दवा मैं डॉक्टर पीरजादा से मशवरा करने के बाद ही कोई दवा तजवीज़ कर सकता हूँ। कीजिए, ज़रूर कीजिए, मगर राजदारी के साथ। हमारा ख़ानदान पब्लिक लाइफ में है, इसका ख्याल रखिएगा। जी मैं समझ सकता हूँ, मुझे इजाज़त। हमें आपकी दवा का इंतज़ार रहेगा। जी बिल्कुल ज़रूर। एक बात, बेगम साहिबा का भी मसला है। हार्ट का? अंदर वाले दिल का। वो भी आपसे मशवरा चाहेंगी अगली मुलाकात में। ठीक है मियाँ साहब, मैं अगली बार जब हाजिर होऊंगा तो उनसे भी मुलाकात कर लूँगा। जी बिल्कुल, आइए हम आपको छोड़ आते हैं बाहर। आइए आइए आइए। अच्छा मियाँ साहब, इजाज़त दीजिए। चल, शुक्रिया बहुत बहुत आपके आने का। बात समझ गए? हाँ, हमारा ख्याल है कि समझ गया। चलिए आइए, आपकी दवा का वक्त हो गया है, दवा भी तो खानी है। चलिए। अमन के शायर फैज अहमद फैज गिरफ्तार। फैज अहमद फैज को दूसरे कम्युनिस्ट रहनुमाओं के हमरा हुकूमत का तख्ता उलटने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। हाय हाय, चारे फैज नु भी गिरफ्तार कर लिया, की बगाड़े ऐसे किसे दैन ने। बहुत खूबसूरत शायर है ना। खैर खूबसूरत तो नहीं हैगा, शायरी बहुत अच्छी है उसकी। सही दबा धीमे मिजाज का है ना, मुझसे तो इतना शर्माता है जैसे उसकी इज्जत खतरे में हो। हर मर्द तुमसे शर्माता है बेबी, या फिर शर्माना चाहिए। उस्ताद जी बड़े बदमाश हो गए तुझसे। शुक्रिया बेबी, शुक्रिया। फिरोज ये तुम मुझे बेबी क्यों कहते हो? तीन बच्चों की माँ बन गई हूँ, बेबे बन गई हूँ मैं। भाई मेरी नजरों में देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए तुम अब भी बेबी नूर जाओ। बेबी, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा अल्हड़पन, तुम्हारी अदाएं एक कमसिन दोशीजा की तरह ही तो हैं। ये हुई ना बात, उस बदतमीज मंटो को भी तो जाके कोई बताए कि मेरे चाहने वाले मुझे क्या समझते हैं। बदकिस्मत है जो तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार नहीं है। फिरोज
तुम मेरे इश्क में गिरफ्तार हो? हाय मैडम जी, उनका तो पता नहीं वो हैं या नहीं, लेकिन मैं बुरी तरह से आपके इश्क में गिरफ्तार हूँ अपने बल। तेनू मैं करानी है जेल दिया सलाखां दे पिछे गिरफ्तार। एड्डा लम्मा जदों पोला पैना तो लग पता जाना है। कड पान मेरे। मैडम जी ये पान तो मेरी जान ही लेकर रहेंगे। सही दबा जान लेकर। फिरोज नजर कितने आजकल? इसका कैंप लगा हुआ है ना, नवंबर में एमसीसी की टीम आ रही है। मेरा मतलब है तो नहीं कि बंदा मिलन तो नहीं जाएगा। उसे छोड़ दो बेबी, उसका करियर है भी आगे, अभी टेस्ट मैच शुरू होने वाले हैं उसके। टेस्ट मैच। मैडम शो रेडी ना, बुला रहे हैं। आनी है, चल चीजा भर ले, उठे करांगे। चल भी जदे अमीर साहब, वो आपके पार्टनर नजर नहीं आ रहे हैं। अकबर साहब उसका पेट खराब है, रात को मटन कढ़ाई ज्यादा खा ली थी उसने। आपका पेट तो ठीक है ना? मेरे पेट को क्या होना है, मेरा मैदा तो लोहे का है। सादा साहब मैं लोहा भी खा लूँ ना तो हजम हो जाता है। ये तो अच्छी बात है। तो हिसाब किताब का फिर? हिसाब किताब तो अकबर के पास ही होता है। मगर हिसाब किताब तो मुंशी के पास होता है। उसे तो निकाल दिया, बहुत हेराफेरी करता था। तो अब हिसाब किताब कौन करेगा? कोई अच्छा सा मुंशी ढूंढ लेंगे और क्या होगा। और जब तक मुंशी नहीं मिलता तब तक क्या होगा? अकबर मर गया है क्या, कल आ जाएगा वो? लेकिन अकबर तो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कैसे हिसाब रखेगा? बहुत पढ़ा लिखा है वो, सब जानता है। सादा साहब तुम तो बड़े पढ़े लिखे लगते हो, तुम आकर संभाल लिया करो ना सारा हिसाब किताब। तुम्हारी तसल्ली भी हो जाएगी, हमारा काम भी चल जाएगा। क्या मतलब है आपका, मैं मुंशी लग जाऊं, इधर बर्फ का हिसाब किताब रखा करूं आकर? क्यों, हर्जी क्या है इसमें? इतना बुरा काम है ये? इतना बुरा धंधा लगता है ना तो इस धंधे में आए क्यों थे? फजूल की बहस में नहीं पढ़ना चाहता मैं। आज का हिसाब किताब करो मेरे साथ। बिक्री नहीं हुई आज, वैसे भी मैं आज अस्पताल गया था अकबर के साथ। तुम ऐसा करो कल आना। कल का क्या मतलब है, मेरे पास इतना फालतू वक्त है कि मैं रोज यहाँ पे आया करूँ हिसाब किताब करने के लिए? मैं बहुत दूर से आता हूँ। तो हमारे पास फालतू वक्त है क्या? सादा साहब अपने हिस्से की रकम चाहिए ना तो अपने हिस्से की बर्फ आकर खुद बेचा कर बस। चलें जी मंटू साहब, मूड खराब लगता है मंटू साहब, बर्फ खाने वालों से झगड़ा हुआ है। आग और बर्फ का साथ कैसे हो सकता है फसले? आग का? मैं आग पे चलने वाला आदमी, मुझे बर्फ की सिल पे बिठा दे। सच्ची मुची आग पर चलते रहे आप? हाँ एक दफा सच्ची मुची भी आग पे चला था। अमृतसर में एक दफा एक सन्यासी ने तमाशा लगाया, लोगों को चैलेंज कर रहा था कि कौन उसकी तरह आग पे नंगे पैर चल सकता। बहुत सो ने कोशिश की मगर अपने पैर जला गए। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत रोका, मैं आग के तहत अंगारों में चला नंगे। आप में कोई बात है मंटू साहब, आप आम आदमी नहीं मेरी तरह, आप खास, बहुत खास। मैं जानता हूं कि मैं खास आदमी आम नहीं हूं, मगर ये बात मेरे घर वाले नहीं जानते, कुदरतुल्ला शाहब जैसे नाम नेहाद दोस्त नहीं जानते। शाहब के दफ्तर का पता है ना तुम्हें? हां जी। चाय खत्म कर लो तो मुझे वहां ले चलो। चलो छोटे इधर आई ले फाड़ा ले छेती फाड़ चल। बिस्मिल्लाह।
चल भाई रुस्तम, चल चल चल। मैं आग भेजता हूँ सफिया, आग। एक अलाव चल रहा है मेरे अंदर, मैं उसकी चिंगारियां दूसरों की राख में नहीं झोंक सकता। सर वो अंदर बॉस की मीटिंग चल रही। मंटो साहेब आप इस वक्त, सॉरी जेंटलमैन, हम फिर बाद में बात करते हैं, प्लीज एक्सक्यूज। आइए आइए बैठिए। मुख्तसर बात करने आया हूँ, खड़े खड़े कर सकते हो? क्या हुआ भाई, आप तो उस लिस्ट में नहीं है जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। क्या पुलिस ने बॉदर किया आपको? उनकी लिस्टें अपडेटेड नहीं थी, मैंने कर दी। हाँ मुझे फैज का बहुत अफसोस है, कास्मी तो निकल आएगा, वो सिर्फ प्रोटेक्टिव कस्टडी में है। और आप उसे निकलवा लेंगे, आपका दोस्त है भाई। मेरे दोस्त आप भी हैं मंटो साहब, ऐसा मत कहिए। मेरे दोस्त ही मेरे दुश्मन हैं शाह। मुझसे कुछ लफ्जिश हो गई है। अच्छा वो बताएं, जो मैंने आपको इतनी कोशिशों के बाद लाइसेंस दिलवाया था उसे भूल गए आप? ये लाइसेंस मेरी जिंदगी का अजाब बन गया है शाह। हुआ क्या है? पार्टनर से तंग किया? अगर तंग किया तो मैं उनकी खबर लेता हूं, बताइए। दोस्त हो ना तुम मेरे, मेरी तबीयत जानते हो, मेरा हुनर पहचानते हो। मैं बर्फ बेचने वाला आदमी हूं, मैं गली गली ठेला लगाकर बर्फ बेचूंगा? उन जाहिल गवार लोगों के साथ उस गंदी गली जगह पर बैठकर उनके कहकर सुनूंगा? देखो मंटो, रोजी कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है भाई, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज। मुझे कोई एडजस्टमेंट, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी शाह। मेरे अंदर आग जल रही है, उस आग को बर्फ की इन सिलों से बुझाऊंगा नहीं। बंटो सुनो तो सही भाई, बंटो फजले फजले। ओ बंटो साहब, ओ बंटो साहब। ओ मंटो साहब, किधर किधर यार, पता नहीं आप किधर है जी। आपको तो बंदा ढूंढते फिरे, आप मिलते नहीं हो, कहाँ हो मंटो साहब? है तुम्हारा लहजा इतना नरम क्यों हो रहा है? चौधरी मोहम्मद हुसैन तो खैरियत से है ना? मंटो जी उसको क्या होना है, इतनी आसानी से उसने नहीं मरना। वो जो मकसद लेकर आया ना, उसको पूरा करने के बाद ही इस दुनिया से जाएगा। अपनी बात बताओ तुम। ओ जी बात ये है कि आपको मेरे साथ एक जगह चलना है। किस जुर्म में, किस मुकदमे में? ओ नहीं मंटो साहब, आप मुझको गलत क्यों समझते हैं जी। आपको बस मेरे साथ एक जगह चलना है। जगह का नाम हवालात तो नहीं? और नहीं जी, उस जगह का नाम अवलात नहीं है, वहाँ तो आप जैसे लोगों की बड़ी कदर है जी, बड़ी रिस्पेक्ट है। उन्होंने तो मुझको कहा है कि जी आपको मैं ले कर आऊँ, उन्होंने मुझे पैगाम दिया है आपके लिए। तुम्हारा इशारा यकीनन CID वालों की तरफ। ओ नहीं जी नहीं, आप बात को समझा करें ना। तुम पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हो, बात सीधी करो। ओ जी ठीक है मंटो साहब, बात यह है कि जी आप तैयार रहिएगा, मैं शाम को आपको लेने जाऊंगा, आप मेरे साथ चल रहे हैं, शराब और टांगे का खर्चा मेरा, ठीक है? और देखिए जी, मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ, और वैसे भी आपको पता है ना, पुलिस वाले ना छा नहीं सुनते। फजले, अरे मसूद, कागज दे। कोरे कागज जी। लगता है बहुत जल्दी में कहानी बाहर आने के लिए बेताब है। अब्बू कोचवान बड़ा चहल छबीला था,
साफ सुथरे कपड़े पहनने और हर वक्त बांका बना रहने का उसे बेहद शौक था। नेती एक दिन अब्बू को तांगे पर ही मिली थी। चंद रोज बाद इन दोनों का निकाह हो गया और फिर ऐन जवानी में अब्बू मर गया। नेती का सब कुछ मर गया, मगर वो हौसले वाली औरत थी। इस सदमे को उसने बर्दाश्त कर ही लिया। दीना अब्बू के साथ काम करता था। इद्दत के दिन पूरे होते ही उसने नेती से कहा, भाभी तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? नेती ने कहा, भाई मुझे शादी नहीं करनी और अब तुम तकलीफ ना करो, तांगा घोड़ा मेरे हवाले कर दो। वो जिस किसी को भी तांगा हवाले करती, कोई उसे शादी की दरखास्त देता, कोई उसकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करता और कोई उसके पैसे मार लेता। एक दिन उसे ख्याल आया कि मैं क्यों ना तांगा खुद ही जोतूं। फिर सोचा लोग क्या कहेंगे। उसके दिमाग ने कई दलीलें दी कि क्या हर्ज है, औरतें हर तरह के काम करती हैं, पेट किसी हीले से पालना ही है। और कुछ दिन सोच विचार के बाद उसने फैसला कर लिया कि वो तांगा खुद चलाएगी। शहर में एक तहलका बरपा हो गया कि एक खूबसूरत औरत तांगा चला रही है। शुरू शुरू में तो मर्द सवारियां झिझकती थी, मगर ये झिझक थोड़ी देर में दूर और खूब आमदन होने लगी। और फिर एक दिन कमेटी वालों ने उसका लाइसेंस पढ़ाए थे। पर मेरा लाइसेंस क्यों जब्त कीता है? मैं टांगा क्यों नहीं चला सकती? और जदों कहता है नहीं चला सकती तो नहीं चला सकती, तेरा लाइसेंस जब्त है। मेरे हाल पे रहम करो जी, मेनू दसो मैं फिर किवें करा गुजारा। ओ तू सोनी है, बाजार से जाके बह जा, ओते ज्यादा आमदनी होनी तेरी, दूजे धंधे दा लाइसेंस बनवा ले। अब्बू तेरी नेती आज कमेटी दे दफ्तर च मर गई। दूसरे दिन उसने अर्जी दी और उसे अपना लाइसेंस मिल गया। लाइसेंस खूब। ये लीजिए। शुक्रिया। आज ये सब सामान फिर क्यों आए? जश्न आजादी मना रहे हैं। जश्न आजादी 14 अगस्त को थी। हमने बच्चों के साथ चरागाह भी किया था। आज क्या है? आज एक अजाब से आजादी का जश्न मना रहे हैं। वो अजाब जो उस जाहिल दानिश्वर ब्यूरोक्रेट ने मेरे गले में डाला था, जिसमें मुब्तला किया था उसने। आप आइस फैक्ट्री गए थे? हाँ, अहमक कथों को आखिरी बार अलविदा कह, जिन्हें ये भी नहीं पता कि अंग्रेजी का लेटर सीधी तरह कैसे पकड़ा जाता है।
और उसके बाद जहां आपके दफ्तर भी गया मुंह पे मार के आया उसके मैं वो लाइसेंस लाइसेंस वापस कर दिया शहाब से लड़ाई भी कर ली आपने साद साहब आप किसी से तो बना के रखिए मैं बर्फ बेचने वाला आदमी हूं मैं आग बेचता हूं सफिया आग एक अलाव चल रहा है मेरे अंदर मैं उसकी चिंगारियां दूसरों की राख में नहीं झोंक सकता फिर ये सब खरीदने के पैसे कहां से हैं मैं आज तक बर्फ बेच के घर पैसे लाया हूं मुझे आइस फैक्ट्री का लाइसेंस चाहिए मेरे पास अफसाना निगारी का लाइसेंस है तीन जगह चिंगारियां बेच के आ रहा हूं एक जगह अफसाना बेचा एक जगह खाका बेचा एक जगह मजमून बेचा आग लगानी चाहिए थी मुझे उस बर्फ खाने को इस तरह कहीं झोली में कहानी डालकर घर चलाया जाता है और शायद पछताएगी तू वालेकुम सलाम जी आओ मंटो मेरे यार क्या मूड है जश्न आजादी का मूड है आज ना तो 14 अगस्त है ना 23 मार्च क्या घर से निकाल दिए गए हो ऐसा ही समझ लो ओ अच्छा आओ अंदर तो आओ 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 आ जाओ वे कमीने तू फिर बैठ गया किताब खोल के तुझे 10 दफा मना किया ये किताबें तेरे पढ़ने की नहीं है दूसरे लड़के भी तो लेके जाते हैं उस्ताद ओए वो गा के हमारे किराया देते हैं पर है तो मेरे जितने ही ना मुझे अच्छा नहीं लगता वो बाहर बैठ के इन किताबों के बारे में कैसी-कैसी बातें करते हैं और मुझे कुछ पता ही नहीं होता ओए कारोबार अलग होता है बिल्लू पुत्र और किरदार अलग होता है अब कल को हम चर्स रख लें दुकान पे तू कहेगा मैं 200 टे लगा लिया करूं हैं जी चर्स और चीज है ओए ये गंदी किताबें भी चर्स जैसी होती हैं एक दफा आदत पड़ गई ना छूटती नहीं है अच्छा ये तो खत्म करने दो बकवास बंद कर चल पीछे जाके काम कर अपना ओ उस्ताद जी कुमा साहब ओ जी वालेकुम सलाम क्या हाल है कुमा साहब ओ जी बस ठीक ठाक अच्छा जी ये सारे हिसाब में लिख लूं हां जी हिसाब महीने के आखिर में चुका देंगे वो नाजो पूछ रही थी ओ मंटो की कोई किताब है आपके पास मंटो की इसकी क्या जरूरत पड़ गई भाई जी को एक से एक चटखारे वाली किताब है मेरे पास ओ नहीं जी वो उसने मंटो की किताब का ही कहा है मायूसी होगी मजा नहीं आएगा बाद में शिकायत लेके मेरे पास नहीं आना ओहो भाई तुम दे भी दो अखबार में पढ़ लिया होगा मुकदमों के बारे में लेकिन मैं बता रहा हूँ बिल्कुल भी फाश नहीं है अगर मैं जज होता ना तो सजा सुनाने वाले जज को सजा देता कि मंटो की किताबें पढ़ गई चीखें निकल जाती है उसकी ओफो इखलाक भाई कोई किताब है तो दे भी दो अच्छा एक किताब आई है मेरे पास खुफिया एडिशन है काली शलवार छुपा के ले जाई ओ काली शलवार भाई ये कैसा नाम हुआ ओ, है तो भाइयों की कहानी मगर नाजो जैसी की नहीं है अच्छा ओ, मैं चलता हूँ ओए बिल्लू मंटो साहब जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम खुदा बख्श तुम किधर जी मैं अपने वादे के हिसाब से पहुंच गया जी तो भाई आप तैयार हैं किस लिए है जी आप भूल गए ओ जी आपको आपके प्रस्तारों से मिलवाने ले जाना था ओ हमारी बात हुई थी ना दोपहर में ओ जब मैंने आपको टांगे से थल्ले उतरवाया था मंटो चक्कर क्या है ये
कोई चक्कर नहीं है सर साहब। ओ जी चले ना जी मंटो साहब, आपके लिए मैंने बार सालम टांगा मंगवाया हुआ है। यहाँ रहते हैं तुम्हारे दोस्त? अब मेरे नहीं मंटो साहब जी, आपके दोस्त। आओ जी आओ, आराम से आराम से। आहा। ना मैं इलाके का इंस्पेक्टर था, ना कोई नवाबजादा, ना कोई खान बहादुर। बाजारे हुस्न की ये नाचने गाने वाले मुझ पे फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे थे, मुझे फूलों के हार पहना रहे थे। ये क्या पहेली थी? मैं मंटो।